50 वाला दे दें एक पीस। हाँ जी दे आए। 6000 रुपये। 2 साल हो गई, जून से 1800 सी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी दफ्तर से वापसी पे। जब जीटी रोड पे मेरे हस्बैंड अपने टेलर को कपड़े दे के आए तो आके बताने लगे कि जो सिलाई पिछली दफ़ा कपड़े दिए थे 1800 रुपये थी, अब वो 2000 हो चुकी है। तो बहरहाल ये महंगाई पता नहीं हमें कहाँ लेके जाएगी, कुछ समझ नहीं आ रही। बहुत मुश्किल हालात हैं सब लोगों के लिए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे अपना करम करे। तो जी चलें मैं आपको दिखाती हूँ एक छोटा सा क्लिप जिसमें पंजाब का कल्चर आपको नज़र आएगा। मेरी फ्रेंड के गांव में शादी थी, उसके ससुराल में फैसलाबाद में। तो वहाँ पे जो पुराना कल्चर हुआ करता था जिसमें जहेज़ का डिस्प्ले होता था सहन के अंदर, उसने मुझे छोटी छोटी वीडियोज़ भिजवाई, तो उसके अंदर ये वीडियो भी थी। मैंने व्लॉग में ऐड कर ली ताकि उन लोगों को जिनको ये कल्चर नहीं पता वो इससे वाकिफ़ हो जाएँ। ये तायरा आंटी लेके आई है खानी, वो उनकी शादी हुई है ना भांजे की, तायरा आंटी की शादी हो गई, बड़ा अरसा हो गया तायरा आंटी के भांजे की शादी। ये लो टेस्ट करो। हाँ जी ये किधर से आई है भाई? ये गोजरा से आई है, अल मशहूर मंद बर्फी वाले। अल मशहूर है हाँ। ये लो हमने टेस्ट करो। खा रही हूँ अफसा? नहीं खानी अफसा भी डाइटिंग पे। बाबा की बात। तो चलें जी, उम्मीद है बहुत से लोग इस कल्चर से ऑलरेडी वाकिफ़ होंगे। जब हम अपने बचपन में शादियों पे जाया करते थे गांव में तो यही कल्चर उस वक्त यहाँ पे भी होता था। और सहन के अंदर जो है वो इस तरह से पूरा जहेज़ का डिस्प्ले किया जाता था और सारी चीज़ें लगाई जाती थी, और फिर उसके बाद पूरे गाँव को जो है वो इन्विटेशन भेजी जाती है कि वो आके जहेज़ जो है वो देख लें। बहरहाल अब इसमें कल्चर अच्छा है या बुरा है जो भी है, हमारी डिबेट ये तो यहाँ पे नहीं है। कल्चर तो कल्चर होता है, फिर वो जिस तरह का भी हो। तो ये चीज़ें बहरहाल अब यहाँ से बहुत से देहातों से तो ऑलरेडी जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि अब बहुत सी कल्चर की चीज़ें लोग जो है वो फॉलो नहीं करते। साथ साथ ही हमारा डिनर भी यहाँ पर रेडी हो गया है, और आज मैंने खाने में कुछ नहीं बनाया था। बच्चे मैक्रोनी शौक से खाते हैं तो मैंने 2 पैकेट्स मैक्रोनी के बना दिए थे ताकि डिनर में भी इस्तेमाल हो जाएंगे। तो हम बात कर रहे थे जी कल्चर की। तो उम्मीद है ये कल्चरल डिस्प्ले आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पे जब मैं सुबह उठी तो अगला दिन छुट्टी का था, ये सैटरडे की वीडियो है, और इतना ज़्यादा मेस होता है घर में। पता नहीं आप लोगों के घरों में भी यही हालात होते हैं, जब सुबह उठो तो लगता है कि रात को यहाँ कोई दंगल हुआ है हमारे घर में। बच्चे इतना जो है वो खिलारा डालते हैं, ये चीज़ें आप देखें, बिस्तर गद्दियाँ कुशन जो जो आता है वो यहीं पे फेंक देते हैं। लेकिन मेरी तो खैर फिर रात में सोने से पहले इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं चीज़ें समेट लूँ। और वैसे मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा अर्ली उठ के सुबह जो है वो काम वाली के आने से पहले एक दफ़ा जो है वो ऊपर ऊपर से सामान समेट लूँ, लेकिन छुट्टी वाले दिन वो भी थोड़ा लेट आती है तो फिर मैं भी थोड़ा लेज़ी हो जाती हूँ। और अब मैं यहाँ से लाउंज से सारी चीज़ें जो है वो उठा के लाई, अपनी अपनी जगह रखने के लिए यहाँ बेडरूम के अंदर रखी।
सर्दियों में ये बड़ा मसला होता है कि ये बिस्तर वगैरह जो है ये इतनी जगह घेरते हैं और इनको ये रज़ाइयाँ बड़ी बड़ी, स्पेशली ये जो डबल रज़ाई होती है इसका साइज़ भी बहुत ज़्यादा होता है और फिर अगर वो रुई की हो तो उसका वेट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको तय करना बड़ा मुश्किल होता है। वैसे तो मैं बिस्तर पर यूजली जो है वो उसी तरह से फैला देती हूँ। तो यहाँ पर जी हमने अपना कमरा जो है वो रेडी कर लिया है। कमरा सेट करने के बाद मैं आ गई टीवी लाउंज में और इतनी देर में मेरी काम वाली जो है वो किचन की सफाई में लग गई। छुट्टी के दिन ही एक वाहिद दिन होता है जिस दिन आप तफसीली सफाई करा सकते हैं, अदरवाइज़ तो हमने सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकलना होता है तो बस कई दफ़ा घर वैसे ही फेंक के जाना पड़ता है। तो यहाँ पर जी हमने लाउंज की सारी चीज़ें अपनी कर ली हैं सेट। अब नीचे से सफाई करना जो है वो थोड़ा आसान होगा क्योंकि जब बहुत ज़्यादा चीज़ें बिखरी होती हैं तो फिर सफाई की कोई हालत नहीं होती और सफाई की भी नज़र नहीं आती। इसके बाद मैंने फ्रिज खोला और वहाँ से चिकन का एक पैकेट निकाल के और उसके बाद मैंने उसको डिफ्रॉस्ट करने के लिए रख लिया ताकि जितनी देर में बच्चे उठेंगे उनके उठने से पहले पहले मैं खाना बना दूँ। फ्रीज़र भी मैंने पिछले हफ्ते साफ़ किया था क्योंकि चीज़ें कम थीं तो फिर कम चीज़ों में सफ़ाई ज़रा आसान होती है। उसके बाद मैं आ गई अपने रूम में और वहाँ पर लॉन्ड्री की बास्केट से मैंने कपड़े निकाले और कपड़े निकालने के बाद मैंने इनको सोक कर दिया। डार्क कलर के कपड़े मैं अलहदा करती हूँ सोक, और आपको पता ही है कि वॉशिंग मशीन जो ऑटोमेटिक होती है उसमें इकट्ठे कपड़े जो हैं वो इस तरह से नहीं धुलते, आपको मुख्तलिफ कपड़े जो हैं वो अलहदा अलहदा से धोने पड़ते हैं। तो मेरी शुरू से आदत है इस मशीन में, जब से मैंने ली है मैं इसमें पहले कपड़े जो है वो एक टब में सोक कर देती हूँ। हालांकि बच्चों के कपड़ों पे दाग नहीं होते, वो माशाल्लाह बड़े हो गए हैं और हमारे भी रोज़ के रोज़ चेंज होते हैं, उस तरह से गंदे कपड़े नहीं होते, लेकिन फिर भी ये है कि वो मैल वगैरह होती है क्योंकि यहाँ डस्ट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में और फिर बारिश वगैरह भी नहीं होती तो ड्राई वेदर में वैसे ही बहुत जल्दी जो है वो कपड़े गंदे होते हैं। तो मशीन ने धोने होते हैं, मुझे कोई इतनी फटीग नहीं होती इसलिए मैं ज़्यादा कपड़े जो है वो वॉश करती हूँ। हालांकि बहुत ज़्यादा खैर धोने से कपड़े जल्दी उनके कलर्स भी ख़राब होते हैं, लेकिन डस्ट वगैरह की वजह से मुझे बस शायद तो आदत पड़ गई है कपड़े धोने की। कपड़े सोक करने के बाद मैंने वहीं पे पानी के अंदर जो है वो स्वीप डाला, उसको डाइल्यूट कर लिया और उसके बाद इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया टॉयलेट में ताकि अच्छे तरीके से वॉशरूम जो है वो साफ़ हो जाए। फिर उसके बाद मैंने सारे दरवाजे जो हैं वो उनकी डस्टिंग की क्योंकि रूटीन में इस तरह से डिटेल डस्टिंग जो है वो इतनी नहीं हो सकती, ना ही काम वालों के पास इतना वक्त होता है और अगर हो भी तो आप सर पर ना हो तो फिर वो इतना डिटेल काम जो है वो नहीं करते। तो जब तक बच्चे नहीं उठे, मेरे हस्बैंड नहीं उठे, मैंने अभी नाश्ता नहीं बनाया था, मैंने कहा चलें वो उठेंगे तो फिर हम इकट्ठे ही नाश्ता कर लेंगे। उसके बाद जो है वो यहाँ पे सफाई चल रही है और सफाई का काम साथ साथ हो रहा है क्योंकि ऊपर से हम सफाई कर चुके थे तो नीचे से सफाई करना जो है वो काफ़ी आसान हो गया था। बाकी काम ख़त्म करने के बाद जी अब आ गई हूँ मैं किचन में। इतनी देर में किचन जो है वो साफ़ हो चुका था। यहाँ पे मैंने दूध रख दिया है बॉयल होने के लिए और उसके साथ ही हांडी के लिए चूल्हा भी चला दिया है। आजकल सर्दियों की छुट्टियाँ हैं और बच्चे काफ़ी लेट उठते हैं, इतना लेट उठते हैं कि बस वो लंच टाइम हो जाता है तो फिर मैं उनको रोटी ही दे देती हूँ क्योंकि खाने का एज सच जो है वो उससे पहले जो ब्रेकफास्ट है उसका टाइम ख़त्म हो जाता है। प्याज मैंने ब्राउन करके उसके बाद ग्राइंड कर लिया क्योंकि आज मैंने शोरबे वाला चिकन बनाना था तो उसके अंदर फिर जब तक प्रॉपर प्याज गला बना हो वो बड़ी मुश्किल होता है, फिर कुकर लगा लगा के उसको गलाना पड़ता है। तो ये ज़रा एक आसान तरीका होता है, आप प्याज को पहले ब्राउन कर लें फिर उसके अंदर ही टमाटर हरी मिर्च डाल के मैंने उसको ग्राइंड किया, फिर उसके बाद ये नमक मिर्च और हल्दी जो हर पाकिस्तानी खाने के अंदर इस्तेमाल होती है वो डाली। साथ ही मेरे हस्बैंड भी इतनी देर में उठ चुके थे तो मैंने नाश्ते की तैयारी भी शुरू कर दी। उनके लिए मैंने प्याज और हरी मिर्च डाल के दो अंडों का एक ऑमलेट बना लिया और साथ ही खुश्क रोटी जो है वो बना दी क्योंकि वो नाश्ते में रोटी ही खाते हैं, ब्रेड वगैरह नहीं खाते। मैं तो ब्रेड भी खा लेती हूँ, रस भी खा लेती हूँ, रोटी भी खा लेती हूँ, जो भी मिल जाए खा लेती हूँ, लेकिन वो रोटी ही खाते हैं। तो यहाँ पर मैं साथ साथ जो है वो हांडी भी रखती है और साथ ही जो है ये काम भी कर लिया है। सुबह का टाइम जो है वो बड़ी जल्दी जल्दी गुजर जाता है। अगर आप खैर अर्ली उठ जाएं तो फिर आपके पास काफ़ी सारा टाइम होता है, आप काफ़ी काम अपने निपटा लेते हैं, लेकिन जब आप देर से उठते हैं तो फिर बहुत से काम जो हैं वो ख़त्म नहीं होते। तो हफ्ते वाले दिन क्योंकि हमें तो छुट्टी होती है तो मैंने बहुत से काम पेंडिंग रखे हुए होते हैं जो ये सोचा हुआ होता है कि जब छुट्टी होगी तो उस दिन करने हैं। और नाश्ता वगैरह बनाने के बाद मैंने फिर वो काम भी साथ साथ करने शुरू कर दिए क्योंकि वीकडेज़ में शाम के टाइम जब हम वापस आते हैं फिर उसके बाद रेगुलर रूटीन का खाना बनाया जाता है, डिनर होता है और फिर इतनी हिम्मत नहीं होती कि आप बाकी काम जो है वो साथ साथ कर सकें। तो फ्रिज से मैं आटा निकाल के लाई, इतना ठंडा आटा था कि मेरे हाथ जम गए। आजकल बहुत ज़्यादा सर्दी है और जहाँ पर हम रहते हैं
वहाँ पे, तो क्योंकि आबादी अभी कम है और खुली जगह है और खुली जगह पे बहुत ही शदीद जो है वो ठंडक है। तो यहाँ चूल्हे के पास आजकल खड़े होना बहुत अच्छा लगता है। गर्मियों में जितनी कोफ्त होती है आप हीटर के सॉरी किचन में जब चूल्हे के पास खड़े होते हैं तो आपको बड़ी उलझन हो रही होती है और आप कहते हैं कि जल्दी जल्दी मैं किचन का काम ख़त्म करूँ और कमरे में जाऊँ जहाँ पर मुझे जो है वो पंखे की हवा लगे। तो यहाँ पर ये बड़ी सहूलत होती है आपको सर्दियों में कि आप जब चूल्हा चल रहा होता है तो उसके पास खड़े हों। और सर्दियों के अंदर जो सिलेंडर की गैस है उसका प्रेशर काफ़ी कम होता है क्योंकि गैस जो है वो जम जाती है। लास्ट ईयर अभी तक तो हमने नहीं किया, हमने जो सिलेंडर था वो एक गीज़र का हमारी पैकिंग थी कार्टन उसके अंदर रखा हुआ था क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर कम हो जाता था। नाश्ता देखें जी बनाने के बाद मैंने जो तकरीबन पीछे एक महीना हो गया होगा या इससे थोड़ा कम तो मलाई मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ क्योंकि हम क्रीम तो ऊपर इस्तेमाल नहीं करते दूध के, तो वो मैंने यहाँ पे रखती है घी बनाने के लिए। तो मेरी देवरानी ने मुझे बताया था कि आप मक्खन ना बनाया करें, डायरेक्ट ही आप घी बना लें, तो इस दफ़ा मैंने ये तरीका जो है वो ट्राई किया और इससे भी बहुत अच्छा घी बन गया। खैर काफ़ी टाइम लगा और लेकिन यह है कि सक्सेसफुल हो गई, मेरा घी जो है वो रेडी हो गया। अब यहाँ पे कपड़े जो मैंने भिगो के रखे हुए थे पानी में उनको मैं निकालने आ गई हूँ। वैसे तो मेरे पास एक छोटी सी प्लास्टिक की चेयर है जिसमें पानी ड्रेन हो जाता है क्योंकि उसके अंदर सुराख हैं, उसके ऊपर रख देती हूँ और अगर उस तरह ना करूँ तो फिर मैं इनको हल्का सा पानी इनके अंदर से निकाल के और फिर मशीन में डालती हूँ। तो कपड़े डालने के बाद मशीन में यहाँ पे जो बेडशीट मैंने लाउंज के सोफ़ा कम बेड के ऊपर से उतारी थी उसको मैं उसी प्लास्टिक की चेयर पे जिसके अंदर सुराख हैं उस पर रखूँगी ताकि जब तक मशीन का चक्कर पूरा होगा इसमें से पानी निकल जाएगा। और जब सर्फ डाल के उसमें चीज़ डालते हैं तो पानी बिल्कुल काला स्याह हो जाता है, इससे हमें अंदाज़ा होता है कि कितनी ज़्यादा हवा में मिट्टी है। जो कपड़े अगर हमारे बज़ाहिर गंदे नहीं भी होते तो तब भी उनके अंदर बेतहाशा डस्ट जमा हो जाती है। काम ख़त्म करने के बाद हम निकल आए दिन में ही वॉक के लिए क्योंकि धूप तो थी नहीं, बादल थे, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि चलो हम वॉक कर लेते हैं। बहुत प्यारा मौसम है, पिछले 3-4 दिनों से इसी तरह से बादल हैं। खैर बारिश नहीं हो रही, खुश्की बहुत है, अल्लाह ताला खैरियत रखे और अल्लाह करे कि बहुत जल्दी जो है वो बारिश हो क्योंकि अभी शदीद ज़रूरत है। हम जब वॉक पे निकलते हैं तो कोई ना कोई नई साइट जो है कॉलोनी की वो एक्सप्लोर करते हैं, तो आज हम एक नई साइट पे आ गए। देखें ये झुगियाँ हैं जो मैंने इससे पहले नहीं देखी थी, कच्चे से मकान तो नहीं आप इनको कह सकते, ये बस आरजी जो हैं वो लोगों ने अपनी जगह रखी हुई है और कुछ ये भेड़ें इन्होंने पाली हुई थी। तो यहाँ पर ये काफ़ी सारे जो हैं वो इस तरह के हट्स बने हुए हैं जहाँ पर ये लोग रहते हैं। तो ये कॉलोनी के बिल्कुल साथ ही है और एक बीच में एक नाला है, तो अल्लाह ताला की तकसीम है बस के एक साइड पे जो है वो बड़े बड़े और पुख्ता मकान है लोगों के और एक साइड पे जो है वो छोटे छोटे मासूम बच्चे शदीद सर्दी में इस तरह के घरों में जो है वो रहने पे मजबूर हैं। ये देखें छोटे छोटे मासूम से प्यारे प्यारे बच्चे और साथ ही जो है वो खूबसूरत सी भेड़ें इनके पास काफ़ी सारी थी यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और क्योंकि इस दफ़ा अभी सर्दियाँ जो हैं वो ऑटम चल रही है और सब कुछ येलो येलो सा हुआ हुआ है, तो ये सीन यहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। ज़ाहिर है कैमरा उस तरह से कैप्चर नहीं कर सकता लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत था। रात को हम चले गए ताहिरा की तरफ कैडेट कॉलेज, उसने इनवाइट किया हुआ था कि हम फ़िश फ्राई करेंगे और आप भी बच्चे लेके आ जाएं। फ़िश बहुत ज़्यादा बनाई हुई थी उसने और बहुत ही मज़े की थी, शदीद सर्दी थी और फ़िश बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी। हसन अब्दाल की फ़िश तो वैसे ही पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो चलें जी ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, अगर लगा हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।